आदरणीय किसान साथियों, जो करनाल के अंदर हमारा धरना चला हुआ था, हमारी उसमें मुख्य तौर पे तीन मांगे थी। एक थी जो हमारा सुशील काजल भाई शहीद हुआ है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा मिले और परिवार में एक नौकरी मिली। दूसरी हमारी मांग थी कि जो घायल है उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा मिले, जो गाड़ियां तोड़ी गई है उनको मुआवजा मिले। तीसरी हमारी मांग थी कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हो, एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो या पुलिस वालों के ऊपर जो भी जिन्होंने सीधी लाठियां मारी उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं तीनों को बताता हूं। पहले जो हमारी कंपनसेशन की परिवार जो गुजरा उसका जो मुआवजा मांगा वो हमें पूरा मिला और एक की जगह 2 नौकरी हमने मिली, क्योंकि हमने पहले कहा था कि अगर आप लंबा चलाओगे तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरी हमारी घायलों का मुआवजा पूरा हमें मिला, गाड़ियां जो टूटी हैं उसका मुआवजा पूरा मिला। तीसरी हमारी बात है एसडीएम और एसएचओ की, उनके ऊपर हमने बात करी थी एफआईआर दर्ज करो या इसको सस्पेंड करो, मगर वकील साथी हमने राय ली, करनाल के बहुत से वकील थे उनसे राय ली, उन्होंने कहने लगे अगर एफआईआर आप दर्ज करवाओगे तो इसके ऊपर हाईकोर्ट सटे लगा देगा, क्यों नहीं आप जुडिशियल इंक्वायरी मांगो। तो जुडिशियल इंक्वायरी में रिटायर्ड जज इंक्वायरी करेगा और फ्रेश क्या नाम है एफआईआर दर्ज होगी। पहले जो एफआईआर दर्ज थी वो कह रहे थे इसी के अंदर इंक्वायरी हो जाएगी, नहीं फ्रेश एफआईआर दर्ज होगी जांच के आधार पर, और जब तक जांच पूरी नहीं होती 1 महीने का समय के अंदर ये सारा कुछ होना है। अगर एक क्योंकि इंक्वायरी की इसकी समय सीमा है 1 महीने के अंदर आनी है, और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती तब तक जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा एसडीएम, यानी हम 100% की बजाय और भी 2-4% अगर ज्यादा लगाएं। आप पूरी तरह जीता है किसान, इसलिए सभी किसान साथियों का धन्यवाद और संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं का भी धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।